अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के मतलब अहम खबर लेकर आया हूँ। यानी वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब के ऐलान के मुताबिक तमाम बोर्ड्स की क्लासेस के इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। नाइन्थ क्लास को मिडिल क्लास की बेस पर, टेंथ को नाइन्थ की बेस पर, फर्स्ट ईयर को टेंथ की बेस पर और सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट इस वजह से कई प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई हैं जो सामने आई हैं वफाकी वजीरे तालीम के सामने। पहली क्या है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने महकमा एजुकेशन के तहत मिडिल के इम्तिहानात नहीं दिए तो उनको फिर किस बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम, सप्ली वालों को किस बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे, उनका क्या होगा। तीसरी प्रॉब्लम, इम्प्रूवर का क्या होगा जिन्होंने एक साल अपना ज़ाया भी किया। नंबर चार, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की एजुकेशन में फ़र्क होता है, इस तरह फर्स्ट ईयर को मार्क्स देने में भी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए वफाकी वज़ीरे तालीम ने बोर्ड के तमाम चेयरमैन का इजलास 11 मई को मुनक्कद करने का फ़ैसला किया। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के मतलब हतमी फैसला बोर्ड के तमाम चेयरमैन की बाहमी मशावरत से किया जाएगा। स्टूडेंट जो भी फैसला होगा हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए फैसले से जल्द आगाह हो सकें।